जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अपने हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। एंजेलिक गाइडेंस है ये। पहला जो कार्ड आया है वो है ब्लैक ऑब्सिडियन, एंजल ऑफ फोकस। तो शायद आपको किसी बात की तरफ फोकस करने की जरूरत है। आई पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली, आई एम अटेंटिव टू माय ओन नीड्स एंड द नीड्स ऑफ अदर्स। तो आपकी क्या जरूरतें हैं इनके ऊपर पहले आपको फोकस करना है और बाद में दूसरों की जरूरत के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को साइड में रख के बाकी सब बातों को लेके सोचते रहते हैं, और यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एंजल आपको बताना चाहते कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो खुद के ऊपर होना चाहिए। आप अगर पहले खुद को सेफ रखेंगे, खुद खुश रहेंगे, तो जाके कहीं बाकी लोगों की खुशियों में आप शामिल हो पाएंगे या फिर उनका भी ख्याल रख पाएंगे। अब देखते हैं ये कार्ड हमें डिटेल में क्या बताता है। Have you been feeling scattered lately? Are you unable to focus on what's important? Look at all that things going on around you. Prioritize your intentions. Focus on the things at a time. Ground yourself so that you can accomplish your goals. तो शायद आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए जरूरी क्या है। मतलब हो सकता है किसी किसी के लिए शादी के वगैरह कुछ बातें घर में चल रही है और आपके दिलो दिमाग में चल रहा है कि इस वक्त जरूरी क्या है, आपकी खुद की खुशियों के लिए इम्पोर्टेंस देना या फिर घर वालों की खुशियों की तरह। तो आपको सिचुएशन को समझ के लेते हुए अपने इंट्यूशंस के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि आपको एंजल्स कुछ ना कुछ इंट्यूशंस दे रहे हैं जिसमें आपका भला है। तो उन इंट्यूशंस को फोकस करते हुए उसके बारे में सोचें ताकि आपको सही रास्ता समझ में आ जाए कि आपका फोकस किस तरफ होना चाहिए। फिर है पायराइट, जहां पे आया है एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। I earn unlimited income doing what I love. तो आपको शायद जिंदगी में ऐसा लम्हा फेस कर रहे होंगे कुछ लोग कि इनकम के लिए आप शायद कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस है और वहाँ पे आपका शायद दिल नहीं लग रहा, आपको तकलीफ हो रही है कि शायद बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो सक्सेस हासिल नहीं हो पा रहा जो शायद आप चाहते हैं। यहाँ पे एंजल ऑफ एंटर प्रिनरशिप ये आपको बता रहा है कि अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। तो आपको जो पसंद है आपको वो बात करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि वहां से आपको अच्छी इनकम मिले। पता है कि कई बार ऐसे जॉब मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे शायद एंजल आपको यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपके मन के मर्जी के मुताबिक ही आपको जॉब करना चाहिए ताकि आपको वो हैप्पीनेस काम करते वक्त मिले, ना कि जिंदगी में स्ट्रेस मिले। अब देखते हैं बाकी के कार्ड हमें क्या डिटेल में बताता है। आर यू वरीड अबाउट मनी? आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ? तो पैसों को लेके एंजल शायद सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा फिक्र कर रही है। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ? तो आपको खुशियां चाहिए कि नहीं ये आपको सोचना है। यू कैन अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट यू लव टू डू। यूज योर स्किल्स, फॉलो योर ड्रीम्स, हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे एंजल आपको बता रहे हैं कि आपको अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए। आपके अंदर जो स्किल है, जो खूबियां हैं, वो आप में ही हैं। उनका यूज करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस सक्सेसफुल दिशा में आपको जाना चाहिए जहां जाने का आपका मन है। यानी कि राइट नाउ हो सकता है कुछ लोग जॉब तो कर रहे हैं लेकिन कंपल्शन के तौर पे ये हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है हैप्पीनेस मिसिंग है। फिर है एपेटाइट,
जहां पे हमें एंजल आया है, एंजल ऑफ डाइजेशन. द पीपल एंड सिचुएशंस इन माई लाइफ नरिश मी. तो कई बार ऐसा होता है कि माई एपेटाइट इज बैलेंस एंड हेल्दी एंड माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली. तो शायद कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से जो भी आप खाते हैं वो खाना मन लगा के नहीं खा पा रहे, या फिर फूड एंजॉय नहीं कर पा रहे, जिसका असर कहीं ना कहीं शायद आपकी हेल्थ के ऊपर हो रहा है. और यहाँ पे अगर आप ठीक से खाएंगे नहीं, ठीक से नींद नहीं आएगी और दिन भर आपका मूड वैसा ही बना रहेगा, जिसके लिए शायद एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करनी चाहिए. अब देखते हैं कार्ड हमें डिटेल में क्या बताता है. एपेटाइट, आर यू फीलिंग एजिटेटेड, इज देयर समथिंग यू फाइंड हार्ड टू सॉलो. तो कुछ ऐसी बात है जो शायद आपको हजम नहीं हो रही, मतलब कुछ ऐसा घर में शायद माहौल हो सकता है, या फिर किसी ने कुछ ऐसी बात कही हुई हो सकती है जो आपको हाँ कहना या फिर उस बात को एग्री करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है. आर यू हैविंग डाइजेस्टिव डिफिकल्टीज, कुछ लोगों को शायद मनचाहा खाना भी नहीं मिल रहा, मतलब अगर आप घर से दूर रहते हैं तो हो सकता है जो भी आपको वहाँ पे खाने को अवेलेबल है आप बस खाना खाना है ये सोच के शायद खा रहे हैं, और इस वजह से शायद आपका मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. क्योंकि अगर हमें मनचाहा खाना नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे दिलो दिमाग पे तो होता ही है. पे अटेंशन टू व्हाट यू आर थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट व्हाइल यू ईट. यहाँ पे एंजल आपको बोल रहे हैं कि उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि आप क्या सोचते हैं और क्या बातें करते हैं जब भी आप खाना खाते हैं. तो शायद उन बातों को डिस्कस करते हुए आपका पूरा जो ध्यान रहता है वो सिर्फ डिस्कशन की तरफ रहता है, जिसकी वजह से शायद आप खाने का मजा नहीं उठा पाते. होलसम फूड थॉट्स एंड कॉन्वर्सेशन कैन मेक थिंग्स इजियर टू प्रोसेस एंड एक्सेप्ट. तो कई बार वही बातें हमें कहनी चाहिए जो कहने का हमारा मन करता है, यानी कि भले ही सामने वाले पर्सन को वो बातें अच्छी लगे या ना लगे, और अगर सामने वाले का कॉन्वर्सेशन हमें बर्दाश्त करने के जैसा नहीं लग रहा फिर भी हम खामोश बैठ के उसको सही जा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर की बातें होती है और कहीं ना कहीं उसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है. तो यहाँ पे एंजल आपको बोल रहे हैं जो आपको सही लग रहा है आपको वही करना चाहिए, स्पेसिफिकली खाना खाते वक्त आपको वही बातें करनी चाहिए जो करने का आपका मन है, या फिर वही सुननी चाहिए जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिले. मतलब अगर आप अपने स्टाफ के साथ, कोवर्कर के साथ खाना खा रहे हैं और वो मजाक में किसी किसी की बुराई कर रहे हैं और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली आपका मूड खराब हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको फोकस करना है अपनी हेल्थ के ऊपर, ना कि लोगों के ऊपर. फिर है पिंक कैल्सिट, जहाँ पे आया है एंजल ऑफ काइंडनेस. आई एम काइंड एंड कम्पैशनेट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एंजॉय लविंग रिलेशनशिप. तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है और आप बहुत ज्यादा काइंड भी है. यहाँ पे एंजल आपको बोल रहे हैं क्या, ये आप हम इस कार्ड में जानेंगे. डू यू नीड मोर स्वीटनेस इन योर लाइफ, शायद आपको और ज्यादा स्वीटनेस अपनी जिंदगी में चाहिए ऐसा लगता है. आर यू जेंटल विथ योर सेल्फ इन योर वर्ड्स एंड थॉट्स. तो यहाँ पे एंजल आपको बोल रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ तो आप बहुत काइंड रहते हैं, सबके साथ अच्छी तरीके से बातें करते हैं, घुलमुल के रहते हैं, लेकिन वॉट अबाउट योर सेल्फ, आप शायद खुद के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा निकाल रहे हैं या फिर खुद के ऊपर थोड़ा सा नाराज है. Treat yourself with kindness, cultivate loving friends, family and environment, be your best friend and the best friend you can be to others. तो यहाँ पे जरूरत है खुद का ख्याल रखने की, खुद ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनने की. और अपने जैसे हम फ्रेंड्स का ख्याल रखते हैं, हमारे जो घर वाले होते हैं उनके इर्द गिर्द जैसे हम खुशियां बिखोरना चाहते हैं, वैसे ही आपको अपने अंदर झांक के देखना है और अपना खुद का ख्याल रखना है और खुद का बेस्ट फ्रेंड बनते हुए उन सब बातों का ध्यान रखना है कि आप खुद भी अपने साथ बहुत ज्यादा काइंडली पेश आए और ना कि अपने ऊपर गुस्सा निकाले. फिर है ब्लैक टर्मरिक, जहां पे आया है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन. आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम एनवलप्ड इन अ स्फीयर ऑफ गुडनेस एंड वेलबींग. तो यहाँ पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ये बात एंजल आपको बोल रहे हैं. डू यू फियर बिट्रेयल,
कुछ लोगों को शायद जिंदगी में धोखा मिलने का डर सता रहा है. डू यू फील थ्रेटन्ड इन सम वे? कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर उनके साथ बहुत ज्यादा दुनिया हार्शली पेश आ रही है. आर यू सराउंडेड बाय निगेटिव और अनट्रस्टवर्दी पीपल? क्या आपके इर्द गिर्द कुछ निगेटिव लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते? फोकस योर इंटेंशन एंड डिफ्लेक्टिंग द निगेटिविटी. तो आपको यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं कि आपको अपना मकसद जो है उसके ऊपर फोकस करना है और निगेटिविटी को अपने माइंड से निकालना है. नो दैट योर एंजल एंड स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग आउट फॉर यू. तो आपको ये ख्याल रखना है कि चाहे आपके इर्द गिर्द कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो, आपके जो एंजल्स है और जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपकी तरफ ही है, यानी कि वो आपके इर्द गिर्द ही है और उनका ध्यान है आपकी तरफ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इस बात को आपको ध्यान में रखना है और ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो शायद बहुत जल्द आप नोटिस करेंगे कि आपको अपनी खुशियों का वो रास्ता मिल रहा है जो आप ढूंढ रहे हैं. तो ये था आज का रीडिंग. हैव अ नाइस डे.